गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति सिंह क्लासेस में स्वागत है. आज जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से क्लास ली थी. बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जितना भी पेपर है, JIGL का जितना पेपर था अभी जो कल हुआ है, वो 100% एग्ज़ाम हमारे नोट्स से कवर हुआ है. इवन जो हमारे नोट्स और क्लास नोटिंग्स हैं, जितना हमने पढ़ाया, एक एक मार्क्स, नॉट इवन सिंगल मार्क्स हमारा जो है नोट्स से बाहर नहीं है. या जो हमने अपने कोर्स के दौरान स्टडी कराया, उससे एक पॉइंट भी, एक नंबर का भी हमारे सिलेबस से बाहर नहीं गया है. तो उन सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसा कि मैं शुरू से स्टार्टिंग से आपसे बोलती आ रही हूँ कि बेटा पेशेंस रखो, बहुत अच्छा आपका एग्जाम होने वाला है. क्योंकि जिस तरीके से हमारा पढ़ाने का पैटर्न है, जिस तरीके से हमारा कवर कराने का पैटर्न है, जिस तरीके से हम लोग नोटिंग्स कराते हैं और बच्चों को फोकस करते हैं, चांस ही नहीं है क्लियर ना होने के. 100% चांसेस है कि आपको क्लियर होना ही होना है. स्ट्रैटेजीज इतनी अच्छी होती है कि हर एक एक टॉपिक को कवर करना. जिस दौरान हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, फैकल्टीज क्लास ले रही होती हैं, उस समय बच्चे को लगता है कि मैम कितना, सर कितना लेंदी है, मैम कितना लेंदी हमारा सिलेबस लेके जा रहे हैं. लेकिन उसका परिणाम आपने कल देखा होगा, कितना अच्छा आपका एग्जाम गया होगा. ये मैं भी जानती हूँ और आप सभी बच्चे जानते हो. जैसे कि मेरे पास बैक टू बैक आपके मैसेजेस आ रहे हैं, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जो हमने एग्जाम से पहले इतनी मेहनत करी है, उसका रिजल्ट इतना सुंदर, इतना खूबसूरत जब आता है, उसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स इतना अच्छा आता है, तो बहुत खुशी होती है. तो वही सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ. कुछ बच्चे डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रहे हैं, कुछ बच्चे ऑल ओवर इंडिया ऐसे हैं जो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं. दूर दूर के बच्चे हैं जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, ऑफलाइन कनेक्टेड है, फेस टू फेस है, अपने आप पहुँच चुके हैं. तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ. जो कल आपका एग्ज़ाम हुआ है, वो एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन हमारे नोट से कवर अप किया गया है. देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कल का पेपर. मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब इस तरीके के रिस्पॉन्स, इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं. तो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट, अपने आप में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही हमारा मोटिवेशन होता है. एग्जाम से पहले पूरे टाइम हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन हमारा जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है वो है बच्चे का रिजल्ट, बच्चे का एग्जाम. कहीं ना कहीं किसी हद तक जब बच्चा पेपर दे देता है, उसी से आइडिया लग जाता है कि वो कितने पानी में है या वो कहाँ तक जाने वाला है. तो जिस तरीके के रिस्पॉन्स आए हैं, उन रिस्पॉन्स को देख के और एक्चुअलिटी में पेपर को देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि एक नंबर का पेपर भी हमारे सिलेबस से, हमारी नोटिंग से, हमारी बुक से बाहर नहीं आया है. देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, मैं बहुत ज्यादा टाइम यहां पे नहीं लूंगी, कम शब्दों में अपनी बातें मैं कहीं ना कहीं पूरी करने की कोशिश करूंगी. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 पार्ट हैं, ABCD. पार्ट ए है क्रिटिकली एग्जामिन रॉस्क्यू पॉन्ड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. ये पेज नंबर 14 पे हमारी बुक में जो हमारे नोट्स इंस्टीट्यूट देती है उसमें कवर अप है @PSC प्रीति सिंह क्लासेस से. उसी के साथ क्वेश्चन नंबर वन का बी जो है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया है, पेज नंबर 160 प्रीति सिंह क्लासेस के नोट्स से कवर अप है. पॉइंट नंबर सी, जो तीसरा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आया है, पेज नंबर 234 प्रीति सिंह क्लासेस से ही ये क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, जिसमें कहीं ना कहीं बात हुई है प्रॉपर्टी की, डिसऑनेस्ट मोड से जो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ये IPC का क्वेश्चन है, पेज नंबर 205 प्रीति सिंह क्लासेस के नोट से कवर किया गया है. अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट थे, 20 मार्क्स, पूरा का पूरा कवर हमारी बुक से हुआ है, हमारे नोट से हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, पेज नंबर 132 प्रीति सिंह क्लासेस के बुक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन, ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 262 प्रीति सिंह क्लासेस से कहीं ना कहीं कवर हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिव्यू एंड रिविजन, CPC का क्वेश्चन है, पेज नंबर 129 पे डायरेक्ट दे रखा है प्रीति सिंह क्लासेस से ये क्वेश्चन कवर हुआ है. उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर कंटेम्प्ट एंड कैवेट अंडर द कंपनी एक्ट 2013, क्लास नोटिंग में मैंने ये क्वेश्चन लिखवा रखा है, उससे कवर हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 या 2A में से करना था, लेकिन 2A की भी मैं बात कर लेती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2A का फर्स्ट पार्ट लिमिटेशन एक्ट से है, पेज नंबर 99 PSC प्रीति सिंह क्लासेस से ये क्वेश्चन कवर हुआ है.
उसी के साथ साथ पार्ट नंबर टू एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन इंडियन स्टैम्प एक्ट से आया है, पेज नंबर 34 पे ही दे रखा है प्रीति सिंह क्लासेस के नोट्स में। पॉइंट नंबर थ्री की अगर हम बात करें, स्पेशल कोर्ट का क्वेश्चन है, पेज नंबर 260 प्रीति सिंह क्लासेस के नोट से कवर हुआ है। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन पेज नंबर 188 एट द रेट PSC प्रीति सिंह क्लासेस से ये भी कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर अगर बढ़े, हालांकि बच्चों को दो में से एक पार्ट करना था लेकिन दोनों ही पार्ट हमारे नोट से कवर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री की अगर मैं बात करूं, 3A यश साइंड अ डीड गिफ्ट इन फेवर ऑफ राजा, ये प्रैक्टिकली यही क्वेश्चन मैंने क्लास में केस स्टडी फॉर्मेट में कवर किया था जब रजिस्ट्रेशन एक्ट कराया था, तो ये भी हमारे ही नोट से कवर हुआ है। पेज नंबर 146 एट द रेट PSC क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट नंबर बी कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट सी सिविल कोर्ट वाला टेम्पररी इंजंक्शन सेल्फ नोटिंग एट द रेट PSC से कवर हुआ है। डी अगर IT की बात करें, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है और PSC नोटिंग से कहीं ना कहीं क्वेश्चन कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, 4A सेल्फ नोटिंग PSC से कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4B वैक्रस और टॉर्टियस लाइबिलिटी पेज नंबर 94 PSC प्रीति सिंह क्लासेस के नोट से कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर का सी की अगर मैं बात करूं, पेज नंबर 189 एट द रेट PSC से कहीं ना कहीं कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर का डी पार्ट की बात करें, CPC में जिसमें बात हुई है, पेज नंबर 130 एट द रेट PSC से कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर फाइव की अगर हम बात करें, 5A और बी सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, 16 नंबर का पार्ट 5 है, दोनों ही क्वेश्चन हमारी बुक से कवर हुए हैं, पेज नंबर 258 एट द रेट PSC मैच कर सकते हो, पेज नंबर 258 एट द रेट PSC से कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन पेज नंबर 154 एट द रेट PSC के नोट से कवर हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6B पेज नंबर 103 एट द रेट ऑफ PSC कहीं ना कहीं कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6C की अगर हम बात करें, पेज नंबर 103 एट द रेट ऑफ PSC प्रीति सिंह क्लासेस की बुक से ही कवर हुआ है। अगर लास्ट की हम बात करें 6D, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंटरिम रिलीफ वाला पेज नंबर 270 एट द रेट ऑफ PSC प्रीति सिंह क्लासेस से कवर हुआ है। हालांकि अगर 6A की बात करें, 6 और 6A में से एक क्वेश्चन करना था, इंटरनल चॉइस थी, लेकिन स्टिल मैं बता देती हूं, 6A में भी पॉइंट नंबर 1 पेज नंबर 233 एट द रेट PSC से कवर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6A का सेकेंड पार्ट पेज नंबर 35 PSC से कवर हुआ है। और अगर 6A का थर्ड पार्ट की हम बात करें, तो पेज नंबर 23 एट द रेट PSC से कवर हुआ है। और 6A का अंतिम प्रश्न, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर 275 एट द रेट ऑफ PSC से कहीं ना कहीं कवर हुआ है। 100% पेपर इज इटसेल्फ कवर्ड फ्रॉम प्रीति सिंह क्लासेस नोट्स एंड बुक्स। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए। इवन एक नंबर, नॉट इवन अ सिंगल मार्क्स आपका ऐसा नहीं है जो पढ़ाया हुआ नहीं है। पूरा पेपर, एंटायर पेपर कहीं ना कहीं जो कवर किया गया है, वो हमारे नोट्स या हमारी बुक से कवर किया गया है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे CS कर रहे हैं। इससे ज्यादा अच्छा रेट भी हमारे बहुत रीजनेबल है, बहुत जेन्युइन फीस पे बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपके सामने है। और अगर क्वालिटी होती है तो रिजल्ट बोलता है। जैसे कि कल का पेपर, एंटायर पेपर पूरा का पूरा हमारी बुक से और हमारे नोट से कवर हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन भी ऐसा नहीं रहा जो हमारे यहां से कवर ना हुआ हो। तो बहुत मेहनत की गई थी बैच में, उसके रिजल्ट्स भी उतने ही शानदार होंगे। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे ही आगे बढ़िए। और जो बच्चे दूर के हैं, वो बिल्कुल चिंता ना करें, अगले पेपर भी आपके ऐसे ही जाने वाले हैं। जहां तक कोशिश है, आपके बहुत अच्छे एग्जाम्स जाएंगे। आप पेशेंस रखिए और अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट रहिए। गॉड ब्लेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। Be focused and don't divert yourself. Thank you. Have a nice day.